हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सारिया एंड यू आर वाचिंग मेकअप वर्ल्ड। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द रिव्यू ऑफ दिस हिस्ट्रीक्स प्रोफेशनल विटा रिच ग्लॉस हेयर सीरम। इट इज़ अमेजिंग हेयर सीरम। दिस इज़ माय फर्स्ट हेयर सीरम। इनरिच्ड विद मैकेडामिया ऑयल एंड विटामिन ए। गाइस, इसमें विटामिन ई बहुत है एंड स्पेशली इसमें मैकेडामिया ऑयल भी है। तो एंड गाइस, इसकी बॉटल आप देख सकते हो, काफ़ी क्यूट है। ब्लू कलर में, सॉरी समथिंग लाइक ग्रीन है, और ग्रीन कलर में है। और इसकी जो टेक्सचर है वो हल्का सा थिक टाइप लिक्विड है, और इसकी कैप भी ओपन एंड क्लोज वाली है। और ये पंपिंग बॉटल है, इसके साथ आपको एक थिक पाइप भी दिया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये बॉटल एंड पाइप है। सो इसकी बैक साइड में मैं यहाँ पिक मेंशन कर दूँगी। एंड अभी तो मैं कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ आपको। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पिक मैं अभी मेंशन करूँगी। और गाइस, ये फॉर हेयर यूज़ ओनली है। आप अपने हेयर्स में ओनली इसको अप्लाई करना है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस हेयर सीरम आपको लेना है, और अपने जो हेयर्स की लेंथ है उस पर अप्लाई करना है। तो काफ़ी इजी है इसको अप्लाई करना, और समथिंग लाइक ये आपके बालों को एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है और आपके फ्रिज को दूर करता है। मेनली हेयर सीरम हमारे फ्रिज को दूर करने के लिए, हमारे हेयर्स को शाइन प्रोवाइड करने के लिए, उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर्स के को डिटैंगल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी तरह से डिटैंगल कर देता है आपके हेयर्स को। मैं भी आपको इसको पंप आउट करके दिखाती हूँ कितनी इजीली ये पंप हो जाता है। गाइस, हेयर सीरम हमारी हेयर्स को डिटैंगल करता है, फ्रिज हमारे हेयर्स का दूर करता है, और हमारे हेयर को नेचुरल शाइन एंड सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो सेम वर्क ये स्ट्रीक्स प्रोफेशनल रीटा रिच ग्लॉस हेयर सीरम सेम वर्क करता है। एंड फ्रेंड्स, फॉर गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन, आई हैव सर्च इन गूगल अबाउट दिस हेयर सीरम। सो आई नो दैट इन इंडिया बेस्ट हेयर सीरम की लिस्ट में ये 12th नंबर पे है। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इफ़ यू इंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर इंजॉयबल वीडियो, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ सुपर्ब डे। थैंक यू सो मच।